जिस डिस्ट्रेस की बात लगातार हो रही थी, क्या आपको लगता है कि ये जो जितने भी कदम है, चाहे गारंटी के बिना लोन दिए जाएं, 2 लाख एमएसएमईज को इससे फायदा होगा, या बिजली वितरण के, सबका असर देखने में काफी वक्त लग जाएगा, और जिस डायरेक्ट डिस्ट्रेस को एड्रेस करने की बात हो रही थी उसमें वैसे कदम नहीं दिख रहे? देखिए, यह आपकी बात में कुछ हद तक सत्य है, परंतु आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको उत्तर दिखेगा। समाज का वो तबका जो बहुत निर्धन है, जिसको एकदम तात्कालिक राहत चाहिए, वो 3 महीने बाद और 6 महीने बाद क्या होगा उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो उसको चाहे उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर मुफ्त मिलना हो, अथवा अपने बीपीएल राशन कार्ड के अलावा एक्स्ट्रा खाद्यान्न मिलना हो, अथवा महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपया महीना मिलना हो, अथवा 2000 रुपए की किस्त मिलनी हो, ये सब चीजें तो सीधे दी जा रही हैं, और जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उनको भी दिया जा रहा है। परंतु जो अभी विक्रम किर्लोस्कर जी ने कहा, जो सिन्हा जी ने कहा कि भाई अगर ये पैसा हमें वापस भी तो लेना है ना रिप्रोडक्टिव, तो बजाय इसके कि जो गौरव बल्लभ जी कह रहे हैं कि आप एक मुश्त पैसा, सुधांशु जी डॉक्टर आपसे कह रहे हैं सर्जरी करा लो, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो होम्योपैथी का इलाज में यकीन रखते हैं, उसके बाद जो अंतर है ना सर, आप मेरी बात समझिए ना, ये सर्जरी नहीं है साहब, आप तो मेरी बात समझिए। सर्जरी कई बार क्या होता है, जब बीपी बहुत लो हो जाए तो सर्जरी घातक हो जाती है, तो पहले आपको बीपी को नॉर्मल पे लाना है और उसके बाद सर्जरी करना है। और दूसरा, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने प्रतिनिधि महोदय से कि कौन सा प्रावधान ये अधिकृत करता है सरकार को कि वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई को सीधे सैलरी दे सके? देखिए, पैसा देना अलग बात है, जैसे आप 500 रुपए 2000 दे रहे हैं, आपने वेतन कहा। देखिए, मैं विश्वविद्यालय में काम कर चुका हूं और आप भी संस्थान में काम कर सके, अरे यहाँ पर सरकार सीधे सैलरी नहीं देती भाई, वो विश्वविद्यालय को देती, विश्वविद्यालय अपने मत से तय करते हैं किसको क्या तनख्वाह मिलनी है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सीधे ट्रेजरी से मिलती है। ठीक है संतोष, नियम और व्यवहारिकता दोनों आपके इस बात में दिखाई नहीं पड़ता। ओके संतोष मेहरोत्रा जी से कमेंट लेना, उसके पहले गौरव बल्लभ जवाब दे दीजिए फटाफट। जी रोहित जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सच बोल दिया कि लोन मेला है ये, जबकि करना कैश सहायता मेला करना चाहिए था आपदा के समय। आपदा के समय ये लोन मेला लगाने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सही बोला कि 20 लाख करोड़ का लोन दे रहे हैं हम, लोन, ये पैकेज नहीं है, ये सहायता नहीं है, ये लोन दिया जा रहा है 20 लाख करोड़ का। ये बात से मैं सहमत हूँ कि 20 लाख करोड़ का लोन के लिए लिक्विडिटी दी जा रही है बैंकों को, हाँ ये बात से मैं सहमत हूँ। दूसरा, आपने बोला सुधांशु जी कौन सा नियम, अरे पूरा दुनिया, भले वो अमेरिका हो इंग्लैंड हो, पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लगा रही है, लोगों की नौकरी जा रही है तो उसको उसको पैसा दे रही है, उसकी नौकरी जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, आप जब हर चीज उनकी तुलना करते हो तभी उनका ये चीज भी सीख लेते, मध्यम आय वर्गीय लोगों की नौकरी गई है, उनके घर में सैलरी की कटिंग हुई है और आप यहाँ पे लोन मेला लगा रहे हो। लोन मेला मत लगाओ सर, इमीडिएटली कैश सहायता मेला लगाओ ताकि गरीब के घर में राशन भी पहुंच सके, जिसकी नौकरी गई है वो पैदल नहीं ट्रेन में बैठ के अपने घर भी पहुंच सके, जो जो लोग जिन्होंने एमएसएमई में अपना पूरा व्यापार खो दिया वो कम से कम लोन का एप्लीकेशन भरने के लिए। अंशुमन जी, समय खत्म हो गया, हालांकि बहुत बहुत छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, हालांकि बहस अब लंबी चलेगी आगे भी। मेरे 2 सवाल थे सुधांशु जी से छोटे छोटे। एक तो महत्वपूर्ण बात समझना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 1 महीने पहले तक सरकार कंपनियों से कह रही थी कि हम आपके लोन की वसूली रोक रहे हैं और हम आपको मॉरेटोरियम दे रहे हैं, और 1 महीने बाद सरकार उनको नया लोन देने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने पहले जो लोग अपने लोन की किस्ती नहीं चुका पा रहे थे लॉकडाउन के कारण, वो नया लोन लेने कैसे आ जाएंगे? दूसरा एक बड़ा सवाल है कि भारत के एसएमई सेक्टर में सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है 10,56,000 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग लोन एसएमईज पर अभी खड़े हुए हैं, 10,56,000 करोड़ के लोन है। तो जो पहले से ही बीमार है, जो पहले से ही कर्ज में फंसा हुआ है, वो क्या नया कर्ज लेने आगे आएगा?